हेलो गाइज, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाई शिक्षक में। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे त्रिकोणमिति से ग्रुप डी में आए कुछ प्रश्न, है ना। तो इसके पहले हम 24 क्वेश्चन को वीडियो डाल चुके हैं, है ना। तो आज चले हम लोग 23, ये चल रहे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन, है ना। तो इसी की इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर इसमें कि एक 150 मीटर ऊंची इमारत है ना, इसको पहले मान लेंगे इमारत, ठीक है। या कर क्या है, इमारत कितना है 150 मीटर ऊंचा है ना। 150 मीटर क्या है ऊंचाई, 150 मीटर क्या है इमारत ऊंचा, ठीक है। 150 मीटर ऊंचा है तो कह रहा कि हाँ इसका शीर्ष ए है, ठीक है। इसका यहाँ पर क्या मान लें, फिर क्या रखेंगे इमारत, तो एक के शीर्ष से इमारत डी के शीर्ष है, यानी क्या मतलब है कि एक और इमारत, ठीक है, एक और इमारत है, दूसरा इमारत होगा इसका, है ना। अगर कि शीर्ष ए के और दूसरा इमारत के शीर्ष बी है ना, इसको मिला दें, ठीक है। तो कह रहा ना कि उन्यानवे के कारण 45 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ, है ना। यानी लड़का कहाँ पर है, लड़का है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बन गया आपका, इसका बन गया आपका, इसका बन गया यहाँ पर कितना होगा, ये भी 45 डिग्री, ठीक है। और कह रहा है ना कि उन्यान कौन बनता है, ठीक है। कह रहा है कि इमारत बी के तल पर, इमारत बी के तल पर यानी इमारत बी है ना, इसके तल पर 30 डिग्री का अनुमान बनता है, यानी बच्चा वो यहाँ खड़ी है, है ना। तो ये देख रहा है ना, यहाँ पर देख रहा है, ये देख रहा है इसको, ठीक है। अब ये क्या देख रहा है इसको, ठीक है। तो क्या बन सको 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री कितना होगा, 45 होगा ना, हो गया। तो कह रहा है इसमें, तो क्या कह रहा है, हाँ ठीक, इमारत बी के तल पर ठीक होगा कि इमारत बी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है इसको बी की ऊंचाई ज्ञात कर रहा है। तो ये भी 45 डिग्री 45 है, हाँ दोनों बराबर होगा ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, तो इसका ए मान लीजिए, इसको हम लोग बी ए बी मान लीजिए, सी क्या मान लीजिए, बी सी ए क्या मान लीजिए, बी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं बढ़िया ना। इसमें कह रहा है कि माना कि बी सी की ऊंचाई x, ये आपका बी सी ना है, कहाँ पर आ गया, ठीक है। बी सी ऊंचाई x मान ली, और सी डी की दूरी क्या है, बाई है, छीटा कितना 45 डिग्री, ठीक है। यानी मेन कौन कह रहा है कि बी सी डी, देखिए अब यहाँ पर बी सी डी ई एक क्या है, आयत है, है ना। बी सी डी ई एक क्या है, आयत है, इसीलिए ई बी, देखिए ई बी बराबर डी सी कितना, बाई तथा ई डी बराबर बी सी बराबर कितना हम मान लिए एफ, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न से, ठीक है। तो कह रहा है इसमें ना कि हमको निकालना है दूसरा इमारत, यानी इसका निकालना, ठीक है, बी सी की ऊंचाई निकालना, ठीक है। यानी हमको निकालना है बी सी की ऊंचाई, हमको यही निकालना, ठीक है, यही निकालना हमको, थोड़ा देखेंगे हम लोग, थोड़ा चलेंगे, ठीक है। और चलेंगे प्रश्न से, किस में, किस से, ए डी सी से, है ना, ए डी के चलेंगे हम लोग, ए डी सी से, है ना। चलिए ए डी सी से चलेंगे, और देखिए यहाँ पर इसका लंब, है ना, ए लंब दिया हुआ है, 50 डिग्री है, लंब दिया हुआ है, हमको आधार का मान निकालना, ठीक है। तो लंब आधार में किसका संबंध चलेगा, चलेगा हमेशा टैन का, ठीक है। तो कितना होगा आपका जी, टैन कितना डिग्री, टैन 45 डिग्री, और क्या होगा लंब आधार, यानी लंब का मान कितना है 150, लंब कितना हो गया ए डी 150, और आधार कितना हो गया 22, ये ना ये। और तुम्हारा आपका टैन 50 का मान होता कितना है, तो टैन 45 का कितना होता है 1, और कितना आ गया 150 बटा कितना आएगा वाई आएगा, इसलिए आपका वाई कितना आ गया 150, ये ना आ गया इतना मीटर आ गया, ठीक है। इसको 1 मान लो। अब चलेंगे पूना, क्योंकि हमको निकालना बी सी का, अब चलेंगे पूना किस त्रिभुज ए ई बी से, चलेगा फिर टैन के लिए जी ए ई निकालेंगे हम लोग बी से। चलिए इसमें देखना कि ये लंब हो गया, है ना, इसको हम इसको एक्स वाई इसको हम कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर ना जेड इसको मान लें, जेड मान, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको निकालेंगे, है ना, ए ए पहले निकालेंगे हम ए, ठीक है, ए कितना है, ए को हम जेड मान लेंगे, यानी ए ई बराबर जेड, ठीक है, मान लें। अब देखें कि हमको ए लंब हो गया, ए लंब हो गया, आधार हो गया ना, ये आपका क्या है, ये आपका लंब है, क्या आधार है, तो लंब आधार कैसे चलेगा, ये लंब है आधार है, तो लंब ए ही आधार ए बी, तो चलेगा टैन चलेगा ना
कितना था आपका टाइम 45 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब आपका ए है, आर बटा ई भी क्या है जी आधार ना है, ई भी क्या आपका आधार है ना, देखिए टाइम 45 डिग्री तो मान कितना था 1 और ए क्या है जेड और ई भी क्या है बाई है ना। अब 1 बराबर अगला यहाँ पर जेड और बाई को हमको निकाल चुका है, निकल चुका है 150 है ना, इसलिए जेड कितना आ गया 150, कितना आ गया जेड जी है ना, जेड आपका कितना आ गया 150 आएगा ना, 150 आएगा यानी जेड भी मैंने कितना आ गया 150 है ना, तो इसका भी मान कितना आ गया आपका 150 ही आ गया, तो कैसे हुआ है ना। तो चलते हैं हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है देखते हैं आप है ना। तो हम लोग कहाँ गलती हुआ है ना, हम लोग गलती हो गया था ना ये है ना, क्योंकि हमको देखना आपका ए डी सी में यहाँ पर कितना 30 डिग्री बना रखे, बी के तल पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ले लिए थे यहाँ 45 डिग्री ना, जबकि यहाँ कितना होगा आपका कितना होगा 30 होगा ठीक है, यहाँ पर 30 बन रहा आपका ठीक है, यहाँ पर टाइम 30 का लिखेंगे तो बाई में रोड 6 मतलब बाई कितना आएगा, कितना आएगा 150 रूट 6 ठीक है, तो बाई कितना आएगा जी आपका 150 रूट 6 आएगा ठीक है, 150 रूट 6 आ जाएगा। तो लोग देखेंगे अब इतना आ गया, अब इसमें हम क्या किया ना कि अब यहाँ पर बाई तो बाई का मान क्या रख दिया 150 रूट 6, तो जेड कितना आ गया 150 रूट 6 मीटर आ गया। हमको निकालना क्या निकालना है बी सी की लंबाई है ना, तो बी सी यानी हमको निकालना है बी सी की लंबाई, तो बी सी क्या है विशाल मार्च है ना, बी सी मार्च है तो कितना होगा आपका है ना, अब देखिए क्या होगा इसमें ए डी की लंबाई यानी पूरा लंबाई में से क्या इतना ए की लंबाई घटाएंगे ना, क्योंकि ए के मान को जेड था तो जेड का मान को आगे कितना 150 आ गया है, तो क्या करेंगे माइनस क्या होगा आपका ए है ना, तो ए डी का मान टोटल कितना देना है 150 माइनस, देखिए अब ए का मान क्या देना है, ए का मान आपका आ गया है सर्वोच्च, तो ए को हम है ना ए को हम क्या माने जेड ठीक है, ए को हम क्या माने थे जेड, जेड का मान आ गया, अब क्या करेंगे दोनों में से कॉमन लेंगे ना, दोनों में से हम कॉमन लेंगे 150 तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 1 जी, यहाँ का बचेगा है ना, यानी इतना मीटर क्या हो गया आंसर, यानी 50 बन माइनस 3 मीटर क्या हो गया आपका आंसर ठीक है, आता है आता है बी इमारत की ऊंचाई, आता है बी इमारत की, आता है बी इमारत की ऊंचाई बराबर कितना गया, कितना गया ये आपका 150 रूट 1 माइनस 3 कितना मीटर होगा, हाँ से यहाँ मीटर को देखा 30 तुलना था ना, यहाँ पर कह रहा है कि बी के तल पर 30 डिग्री, हम तो यहाँ पर क्या ले रहे थे 45 डिग्री ठीक है, गलती हो गया था 30 लेना है, अब 30 के मन में 3 होता है ठीक है, तो गुनामा कर रहे हैं ठीक है, कितना गया 150 वन मार्स जो 3 मीटर, ये आपका क्या आ गया बी की बी मार्स के क्या हो जाएगा लंबाई ठीक है, ये आपका आंसर है ठीक है। एक बार देखिएगा इस वीडियो को, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलेंगे ठीक है, हाँ ना, तो अगले प्रश्न में चलेंगे हम लोग, तो हम लोग चलेंगे है ना दूसरे क्वेश्चन की ओर, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 17 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से चलिए प्लेटफॉर्म ठीक बनाते हैं आपको प्लेटफॉर्म आइए, ये कितना आपका है 17 मीटर है ना, कि प्लेटफॉर्म के शीर्ष से शीर्ष हो गया आपका इसको मान लें ए, इसको क्या मान लें बी, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है जी प्लेटफॉर्म ठीक है, क्या आपका है प्लेटफॉर्म है ना, से ए है ना 17 मीटर ताकि 17 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का ओरिएंट कोण 30 डिग्री, देखिए अब ये टावर है उसको इसे मिला दीजिए, कह रहा कि एक टावर का यहाँ से ये शीर्ष दोनों से मिला दिए तो क्या कराना कितना कर रहा है कौन 30 डिग्री
था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से टावर इन है 50.3 मीटर दूरी स्थित है, 50√3 है ना, इतना मीटर क्या है दूरी स्थित है, तो कह रहा कि टावर को जाए, यानी हमको इसका मान निकालना है, पूरा इसका मान निकालना है, इसको ए बी यहाँ पर सी कर दो, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई मान लेते, ठीक है, तो टावर को जाए, देखना क्या होता है। तो ये 17 है तो भी कितना होगा आपको, 15 होगा, यहाँ यहाँ तक 17 होगा है ना, तो इसको इसको यहाँ पर बाहर रखो, इसको बाहर रखो। अब देखिए ये 50√3 है, कितना हो जाएगा 50√3 होगा हो रहा, क्योंकि क्या है आयत में बन रहा है जी, है ना, तो यहाँ पर क्योंकि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक आयत है, हम लोग चलते हैं अभी करेक्ट, चूंकि ए बी सी डी एक आयत है ना, इसलिए हमें क्या होगा ए बी बराबर, यानी इस आयत क्या होता है ना कि आमने सामने भुजा बराबर और प्रत्येक कोण के आपस में होता है समकोण होता है ना, यानी ए बी बराबर क्या होगा आपका है ना, यहाँ पर ए बी यहाँ पर सी मान है ना, यहाँ पर सी मान लिया आपको, ठीक है, ए बी बराबर डी सी बराबर कितना 17 मीटर, और यहाँ पर क्या बी सी बराबर ए बी, बी सी बराबर ए डी कितना माने हो, कितना माने 50√3 मीटर है ना, यही होगा। और हम देखना कि थीटा का मान यानी हमको दिया हुआ है कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है, तो हम लोग चलेंगे है ना, आप चलेंगे प्रश्न से, ठीक है, क्या चलेंगे हम लोग, हम लोग चलेंगे प्रश्न, क्या चलेंगे जी, आप चलेंगे प्रश्न से, इसमें ई डी ए बी, ठीक है, कितना त्रिभुज ई डी एस चलेंगे ना, देखिए अब ई डी में क्या है, ये लंब हो गया, क्या हो गया आधार हो गया, तो लंब हमें कैसे चलेगा, चलो टाइम चलेगा ना, तो टाइम कितना डिग्री, टाइम चलेगा 30 डिग्री, और क्या होगा देखिए लंब तो ई डी आधार कितना, ई डी कितना होगा, ई डी बटा होगा, ई डी बटा क्या होगा आपका, ई डी बटा ए डी होगा, ठीक है, और देखिए कि लंब यहाँ पर 35 कोण क्या होता है, 35 कोण क्या होता है जी, 1/√3 होता है ना, तो ई डी, ई डी को 2 माने हैं और ई डी क्या है आपका 50√3 मीटर मीटर है, इसलिए आप क्या करेंगे 12 कितना आएगा आपका 50√3 और बटा का रूट 3 आएगा, 18 हो गया, तो क्या भागम से क्या हो गया गुणा, ठीक है, अगर इसी रूट 6 से 11 हो गया कितना आता हो गया 50 मीटर, यानी 12 कितना आ गया 65 मीटर आ गया, ठीक है, और ये कितना देर है 17 मीटर देर है, आता आता टावर की ऊंचाई, आता टावर की ऊंचाई कितना आएगा आपका 2/DC, यानी 2 को कितना आ गया 50 मीटर, प्लस डी सी कितना आ गया 17 मीटर, कितना आ गया 7, 5, 1, 6, यानी कितना आ गया आपका 7 मीटर, ये आपके क्या अभी टावर की ऊंचाई, ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही गाइस है ना, फिर अगले वीडियो हम मिलते हैं है ना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बच्चों के पास है ना, और बच्चों पढ़ सकें इसके लिए क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, इसी ग्रुप डी के कुछ कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेगी, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।